हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ अम्ब्रेला मशीन का केएम कैसे सेट करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरे हाथ में केएम है और आज मैं इसकी सेटिंग समझाऊंगा इस मशीन के अंदर। तो आइए मैं समझाता हूँ इसको कैसे सेट करते हैं। तो इस केएम को रख देता हूँ मैं और एक कागज़ का टुकड़ा ले लेता हूँ और इस कागज़ के टुकड़े पर मैं इस मशीन को चला कर चेक करूँगा कि ये कैसी चल रही है। तो जब तक मैं इसको चला रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, ये मैंने चला लिया है और देखिए सिलाई में दिखाता हूँ आपको किस तरीके से चल रहा है। तो इसका निडिल जो है इस कागज़ को फाड़ रहा है, तो यानी कि जो है हमारा केएम आउट है। तो इस कागज़ को जो है मैं रख देता हूँ और इसकी सेटिंग आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मशीन को इस तरीके से रख लेना है और इस वाले पेंच को खोल के इस चांद को हमें हटा लेना है। उसके बाद जो है हमें मशीन को सीधी तरीके से रख लेना है और मत्थे का जो है एक पेंच ये है, दूसरा पेंच ये है, दोनों पेंच खोल के हमें मत्था भी हटा लेना है ताकि जो है सेटिंग मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूं। तो आइए मैं आपको सेटिंग समझाता हूं कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। आपको एक पेचकस ले लेना है और देखिए केएम का जो है एक पेंच ये है और दूसरा ये है। ये पेंच जो है ये इसकी सेटिंग जो है कहाँ करते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, लट्टू का एक ये बड़ा पेंच है और इसके बराबर में जो ये छोटा पेंच है, इसकी टाइमिंग जो है केएम के कौन से पेंच से बांधा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो है केएम का दूसरा वाला पेंच, इससे जो है सेटिंग बांधी जाती है। तो मैं आपको सेटिंग इसको बांध कर दिखाता हूँ कैसे बांधते हैं। थोड़ा टाइट है, इसको हल्का लूज कर लेता हूँ। आपको इतना लूज नहीं करना है कि ये बैलेंस इसका ख़राब हो जाए, इधर उधर भाग जाए। बस इतना लूज करना है कि ये घूम जाए आसानी से। जैसे देख रहा है मैं सेट कर रहा हूँ इस हॉल में डाल के पेचकस, वैसे आपको सेट कर लेना है। तो देखिए, ये जो है सेट हो गया। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये जो है इस पेंच के सेंटर में आ गया है केएम का पेंच। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं। देखिए, ये वाला पेंच जो है इसके सेंटर में आ चुका है। तो ये आपका जो है केएम सेट हो गया है। कई बार क्या होता है कि लोग जो है इस पेंच के सामने बांध देते हैं उस पेंच को, तो सेंटर जो है आउट होता है, तो केएम हमारा आउट होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो दूसरा वाला केएम का पेंच है इसको भी बांध देते हैं, तो वो भी गलत है। तरीका ये है कि इस वाले पेंच को हमें बांधना है, वो भी इस पेंच के सामने। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें और वीडियो को बगैर स्किप करें देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और एक बात आपको और बता दूं, जैसे कि केएम हम सेट करते हैं तो चिमटा हमारा दोनों साइड जो है टकराने लगता है, तो मशीन हमारी जाम हो जाती है। तो आइए मैं इसके बारे में बताता हूं ऊपर में कि इसको कैसे सेट करना है। देखिए, ना तो हमारा जो है चिमटा इधर लड़ता हुआ हो, ना इधर हो लड़ता हुआ, तो दोनों तरफ जो है लड़ता हुआ नहीं हो, बीच में होगा जब भी हमारी मशीन फ्री चलेगी। जैसे कि आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं, अगर इस जगह होगी तो मशीन हमारी बिल्कुल ओके है। तो आइए मैं मशीन को जो है सीधी तरीके से रख के और फिर मैं दोबारा से जो है आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसी चल रही है। तो देखिए, मैंने कागज़ का टुकड़ा लगा लिया है और मैं इस पर चला के दिखा रहा हूँ कि ये कैसी चल रही है। तो देखिए, ये जो है पहले वाली सिलाई ये है, कागज़ फाड़ रही थी, और अब जो है ये देखिए किस तरीके से इसकी सेटिंग जो है हो गई एकदम ओके। तो आपको भी जो है इसी तरीके से केएम को सेट करना है। उसके बाद जो है मशीन को इस तरीके से रखना है और जब आपको लगे कि केएम सेट हो गया है तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि दोबारा जो है सेटिंग इसकी आउट नहीं हो पाए। उसके बाद जो है आपको चांद लगा लेना है। उसके बाद मशीन को सीधी तरीके से रख के, एक पेंच ये है, दूसरा पेंच ये है, दोनों पेंच पे रख के हमें मत्थे को टाइट कर लेना है। जब तक मैं मत्थे को टाइट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना जो है बिल्कुल ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो ये कैसा लगा।